हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नियोजन नीति से रिलेटेड अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको बता दूं मैं कि सबसे पहले कि नियोजन नीति का जो फंडामेंटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले ही ट्वीट किया था कि 60-40 नहीं चलेगा। तो हो सकता है कि उसमें कुछ गवर्नमेंट ने फिर से अमेंडमेंट करने का सोचा है। अगर 60-40 वाला लागू होता है तो कहीं ना कहीं ओपन फॉर ऑल हो जाएगा, 40% ऑल स्टेट के लिए, झारखंड के अलावा जितने भी स्टेट होंगे सब स्टेट के कैंडिडेट्स 40% में एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों का कहना है, मीन्स जो झारखंड के मूलवासी हैं और आदिवासी हैं, कि 60-40 नहीं चलेगा, 100% जो है वो झारखंड के युवाओं के लिए होना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो फंडामेंटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि झारखंड में कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, तो उसका जो अभी नियोजन नीति है वो अभी नहीं आया है नियमावली। लेकिन भाषा से जो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम था वो उसका नियोजन नीति आ चुका है कि आप को कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना है JSSC के जितनी भी एग्जामिनेशंस होगी। तो आपको बता दें कि ये जो जितनी भी नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशंस होगी, जैसे CGL, फिर TGT, PGT और जितने भी मीन्स इंजीनियरिंग पोस्ट और टेक्निकल पोस्ट के अलावा जितने भी एग्जामिनेशंस होगी, उसमें जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था वो अब ख़त्म हो गया। लेकिन लैंग्वेज का प्रॉब्लम ख़त्म होने के अलावा एक और ट्विस्ट ये आ गया है कि नियुक्ति नियमावली का जो पेच है वो कहीं ना कहीं फिर विपक्ष इसको फंसा सकता है, क्योंकि इसमें जो दिया गया है कि आँख बंद कर नियमावली बनाते हैं झारखंड के अफसर, और इसको हो सकता है फिर से चैलेंज किया जाए। और ऐसा लग रहा है क्योंकि मैट्रिक में जो विषय पढ़ना ज़रूरी नहीं है, नियुक्ति परीक्षाओं में वह भी अनिवार्य किया गया है। तो ऐसे चूक से फंसती रही है नियुक्तियाँ एकदम, ये जितना बात आगे होने वाला है, जो चीज़ ट्विस्ट, जो भी ट्विस्ट, वो इसमें आज एकदम बिल्कुल क्लियर दिया गया है। 8 साल से चल रही नियुक्तियाँ फिर भी नहीं हुई पूरी। राज्य में वर्ष 2016 में हाई स्कूल के लगभग 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। प्रक्रिया शुरू होने के साथ मामला न्यायालय पहुँच गया। आज 8 साल बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। नियुक्ति जिस नियोजन नीति के तहत की जा रही थी उसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब जो मैट्रिक और जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, मैट्रिक में जो सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी नहीं है लेकिन नियुक्ति परीक्षाओं में उसको कंपलसरी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक टाइप से बोल सकते हैं कि विपक्ष फिर इसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है, और फिर से हो सकता है कि हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए, लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम है। लेकिन जितनी भी टेक्निकल एग्जामिनेशंस है, जैसे JE की बात कर ले, फिर और भी जो टेक्निकल एग्जामिनेशंस है, जैसे ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, मीन्स जिसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है जिस एग्जामिनेशंस में, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो जब तक कि नियमावली नहीं आती है तब तक बता रहा, और नियमावली आती है और उसमें कुछ फॉल्ट होता है तो फिर से उसमें कुछ ना कुछ डिमेरिट्स निकाल करके विपक्ष वाले लोग फिर से उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा सकते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा ही होगा कि जो मैट्रिक इंटर कंपलसरी किया गया था, तो उसमें से उन लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, और लास्ट ये हुआ कि एग्जामिनेशन होने के बाद बहुत सारे कैंसिल कर दिया गया है। तो चलिए डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। मैट्रिक में जो विषय पढ़ना ज़रूरी नहीं है, नियुक्ति परीक्षाओं में वह भी अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के अधिकारी हर बार नियुक्ति नियमावली में कोई ना कोई ऐसी शर्त लगा देते हैं जिस पर विवाद तैराता है। बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं जो ऑफिसर कैटेगरी और ऑफिसर रैंक के, यहाँ पर झारखंड में जो भी ऑफिसर हैं, तो उन लोगों को लगता है कि सिर्फ झारखंड के युवाओं को ही नौकरी मिलेगा, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। मीन्स एक तरह से बोल सकते कि उसके अंदर कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो अधिकतर नियमावली बनाने से पहले ना तो ड्राफ्ट जारी होती है और ना ही सुझाव लिया जाता है। नियमावली बनने के साथ ही शुरू हो जाता विवाद और मुकदमा नियुक्ति होने तक चलता रहता है। और मुझे भी लग रहा है कि ये वाला जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, जो कि CGL ये सब में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं रहता तो CGL का एग्जामिनेशन कन्फर्म था, बहुत जल्द हो जाता। लेकिन अब तो जो न्यूज़पेपर वाले हैं उन्होंने क्लियर दिया है कि ऐसी चूक से फंसती रहती है नियुक्तियाँ।
तो हो सकता है कि लैंग्वेज का अगर ये प्रॉब्लम रहा तो फिर नियुक्तियाँ फंस भी सकती है। और इम्पोर्टेंट बात के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाई स्कूल के टीचर के जो बात है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में गए 6 मामले, इतिहास व नागरिक शास्त्र विषय में नियुक्ति का पेच, प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित सीट पर प्रावधान के अनुरूप सीधी नियुक्ति नहीं करना, इतिहास विषय में प्राचीन इतिहास विषय में से स्नातक करने वालों की नियुक्ति होगी या नहीं, संगीत विषय में नियुक्ति को लेकर डिग्री की मान्यता, शारीरिक शिक्षक के अभ्यर्थी उत्तर कुंजी को लेकर नियुक्ति विषय में सब्सिडियरी विषय को मान्यता देना। तो इन सब मैटर को लेकर के जो है वो हाई कोर्ट में मैटर गया और ये नियुक्ति प्रक्रिया कहीं ना कहीं फंसी रह गई और अभी तक इसका नियुक्ति नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट के बारे में बता देता हूँ कि मैट्रिक में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं पर टेट में अनिवार्य कर दिया गया। आप देखे होंगे कि मैट्रिक में इंग्लिश कंपलसरी नहीं किया गया है, अगर कोई रखना चाहता है तो रख सकता है, अगर नहीं भी रखना चाहता है तो नहीं भी रख सकता है। उसी टाइप से संस्कृत की बात है, उर्दू की बात है, तो ये सब कहीं ना कहीं आपका जो सब्सिडियरी पेपर है मीन्स ऑप्शनल पेपर है उसको भी कंपलसरी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब लैंग्वेज का जो विवाद है वो फंसता जा रहा है, और अगर ऐसा रहा तो जितनी भी नॉन टेक्निकल पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है वो विपक्ष इस मैटर को लेकर के न्यायालय तक जाएगी, कोर्ट तक जाएगी और फिर से नियुक्ति प्रक्रिया फंसाने की कोशिश करेगी लैंग्वेज के मैटर पे। जैसे जितने भी एग्जामिनेशन है नॉन टेक्निकल जिसमें लैंग्वेज आपको चूज करना है उसमें, बाकी टेक्निकल का जैसे JE का है और जिसमें कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है उन सब का एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बात रही अब नियुक्ति नियमावली की जो 60-40 की बात कही जा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि 60-40 में 40% ओपन फॉर ऑल रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे पूरा एकदम अच्छे से डिस्कस कर रही है और कंक्लूजन कर रही है कि आखिर किस टाइप का नियोजन नीति हम लाएं जिससे कि किसी को प्रॉब्लम ना हो और सिर्फ झारखंड के युवाओं को ही रोज़गार मिल सके आसानी से। और इम्पोर्टेंट बात हम लोग करते हैं, राज्य गठन के बाद से झारखंड में अधिकतर नियुक्तियों के मामले विवादों में रहे हैं। एक नियुक्ति प्रक्रिया 8 से 10 वर्ष तक चली है। राज्य में लगभग हर नियुक्ति के बाद नियमावली बदल जाती है। यह बात तो बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, TGT PGT की ही बात कर लें, टीचर की जो वैकेंसीज है इसकी ही बात कर लें, JPSC असिस्टेंट इंजीनियर की भी बात कर लें, JPSC सिविल सर्विसेज की बात कर लें, तो इन सब में कहीं ना कहीं पेच फंसते रहता है। नियमावली बनने के साथ अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने तक मुकदमा चलता रहता है। इसका प्रमुख कारण नियमावली के प्रावधान है। प्रभात खबर ने कुछ ऐसी ही नियमावली और उनके प्रावधानों को सामने लाने का प्रयास किया है जो यह दर्शाते हैं कि अधिकारी किस प्रकार आंखें मूंद कर नियमावली बनाते हैं। नियमावली बनाते वक्त अधिकारी यह जानकारी लेना उचित नहीं समझते कि राज्य में स्कूली स्तर पर किस विषय की पढ़ाई होती है और किस विषय की नहीं। जो विषय मैट्रिक में अनिवार्य नहीं उसे भी परीक्षा में अनिवार्य कर दिया जाता है। ऐसे में संबंधित नियमावली के आधार पर होने वाली परीक्षा आयोजन से पहले न्यायालय पहुँच जाती है। और मैं गारंटी देता हूँ 100% की ये जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ये विपक्ष लेकर के जरूर जाएगी कोर्ट, देख लेना आप, 100% श्योर है। क्योंकि जब प्रभात खबर ने खुद इस पे कंक्लूजन किया है कि अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो अब उन लोग को मौका मिलेगा। और जितने भी लैंग्वेज वाले जो रिक्रूटमेंट होने वाली जिसमें ऑप्शनल रखना है आपको एक पेपर लैंग्वेज, तो वो अब मैटर फंस सकता है। आलम यह है कि अभ्यर्थी के योगदान देने के बाद भी नियुक्ति रद्द हो जाती है। राज्य की अधिकतर नियमावलियों को तैयार करने में अधिकारी अपनी जानकारी को अंतिम मान लेते हैं, ना तो उसका ड्राफ्ट जारी करते और ना ही उस पर आपत्ति मांगते हैं। दूसरे राज्यों की नियमावली जरूर देखते हैं, इसमें भी कई बार नियमावली बनाने में विसंगति रह जाती है। मैट्रिक में अंग्रेजी विषय नहीं पर टेट में अनिवार्य कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो ऑफिसर है यहाँ झारखंड के, उनको लगता है कि सिर्फ झारखंड के युवाओं को ही रोज़गार दिया जाएगा। वो अलग स्टेट के रहते हैं, अदर स्टेट के रहते हैं और नियोजन नीति झारखंड का बनाते हैं, तो इस भावना से वो बनाते हैं कि ऐसा नियोजन नीति बनाए ताकि झारखंड के युवाओं को रोज़गार मिल ना सके और ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते रह जाए।
और एक इम्पोर्टेंट बात कि विपक्ष नियोजन नीति पर सरकार को घेरेगा, आज से कैबिनेट चलेगा और सदन जो है विधानसभा, उसमें बजट सत्र चल रहा है। तो आपको बता दें कि इसमें जो ट्रेंड हुआ था 60-40 ट्विटर पे, तो वो उसको लेकर के आज विपक्ष हंगामा करेगा। लेकिन बात हंगामा करने की नहीं, कहीं ना कहीं विपक्ष हो या पक्ष हो, हर कोई चाहता है कि युवाओं को परेशान करे। अगर विपक्ष पहले से इतना हल्ला करती, और विपक्ष क्यों हल्ला करे, क्योंकि वो तो चाहती है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है ये जॉब ना दे, जिससे कि हमें एक पॉलिटिकल इशू मिल जाएगा और हम आसानी से फिर इलेक्शन जीत पाएंगे, चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार विपक्ष में हो या फिर बीजेपी की सरकार विपक्ष में हो। तो हर कोई यही चाहता है कि कुछ ना कुछ डिमेरिट्स हम लोग करें। इससे पहले जो हाईकोर्ट से नियुक्ति रद्द हुई थी, वो तो भाजपा के ही लोग थे, उन्होंने ही करवाया। तो कहीं ना कहीं चाहे कोई भी किसी की भी सरकार हो, वो युवाओं के साथ धोखा करने का काम करती है। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।